हेलो दोस्तों, मैं हूं सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात आज तक। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मेवात आज तक की टीम पहुंची है नुह विधानसभा क्षेत्र की अनाज मंडी में, जहां पर किसानों की एक महापंचायत की जा रही है, जिसमें किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह जैसे लोग शामिल हैं। दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस लिए पंचायत की जा रही है, और जैसे ही आपको पता है कि कल करनाल के अंदर किस तरह से देश के अन्नदाताओं के साथ बर्बरता की गई, देश के अन्नदाताओं को पीटा गया, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पंचायत क्यों की जा रही है और इस पंचायत में मुख्य फैसले क्या लिए जाएंगे। जी सर, क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम दीपक लांबा है, मैं उपाध्यक्ष हूँ जय किसान आंदोलन। जी सर, और जैसा आपने कहा कि इसमें क्या मुख्य फैसले लिए जाएंगे, जी फैसले यहाँ नहीं, फैसले ऑलरेडी दो दिन पहले हमारे हो चुके हैं। जी, फैसले ये हुए हैं कि 26-27 को हमारा एक ऑल इंडिया लेवल का कन्वेंशन अधिवेशन, जी सर, दिल्ली में संगू बॉर्डर के ऊपर मनाया गया, जिसमें 25 राज्यों के लगभग 1500 के करीब लोगों ने शिरकत की। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने अभी फैसला ये लिया है कि जो आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ चल रहा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के पश्चिमी यूपी में चल रहा है, उसको पूरे देश में ले जाने की योजना है। तो इस तरह की जो महापंचायत हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चे के उसी योजना का एक हिस्सा है, और मेवात हरियाणा का अहम हिस्सा है। यहाँ पर 90% लोगों का जो काम है वो खेती है, और मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि यहाँ की मंडियों में हम आते रहे हैं, नूह भी आए हैं, तावड़ू भी आए हैं, यहाँ की मंडियों में हमें ये देखने को ज़रूर मिला कि यहाँ पर MSP के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिलता। तो ये तो वो इलाका है जहाँ पर किसानों के साथ सबसे ज़्यादा ये जो MSP की वजह से, इन कानूनों की वजह से जो प्रभाव पड़ने वाला है, कम से कम जहाँ हम खड़े हैं ये मंडियाँ हमारे लिए और हमारे किसानों के लिए हैं। हमारी लड़ाई यही है कि ये मंडियाँ नहीं ख़त्म होनी चाहिए और किसानों को जो दाम मिलना चाहिए वो मिले। सर, किसान अपनी शांति प्रिय अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन आपने कल करनाल के अंदर माहौल देखा कि किसानों को, देश के अन्नदाताओं को किस तरह से पीटा गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो घटना हुई उससे पूरा देश ही पूरा निराश है उसको देख के, कि लोकतंत्र में जो सबसे ऊपर का स्थान है वो जनता का होता है, लेकिन वहाँ जो किया गया, पुलिस ने जैसे किसानों को घेर के पीटा। और लेकिन मैं दो तीन बातें आपको चिन्हित करना चाहूँगा, हमारा जो फैसला है SKM का वो ये है कि हिंसा चाहे कितनी हो हमारा हाथ नहीं उठेगा। तो कल आपने देखा होगा किसानों को पीटा जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई हाथ नहीं उठाया। दूसरा, संयुक्त किसान नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि हरियाणा, आसपास के राज्यों में सड़कों पे जाम किया जाए इसके विरोध में। तो कल शाम तक ये जो था पूरा 12 डिस्ट्रिक्ट पे हमने प्रदर्शन किया, जाम किए सड़क को, और प्रशासन उसके प्रेशर में रहा, और मुझे जहाँ तक खबर है कल सारे गिरफ्तार किए गए किसान साथी शाम तक छोड़ दिए गए थे। सर, एक बात और है कि सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि जो एक किसान है आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान नहीं है, गुंडे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये कह रहे हैं वो, देखिए, आज 9 महीने हो गए हैं, 9 महीनों से लगातार यही प्रोपेगेंडा सरकार फैलाने की कर रही है कोशिश, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार किसान संगठन ने इसको झुठलाया है। आप बात करें कि गुंडे हैं, गुंडे होते तो कल विरोध में कुछ ना कुछ डंडे पत्थर चला रहे होते, लेकिन आपने देखा कि कोई गुंडागर्दी कहीं नहीं हुई। गुंडागर्दी जो हुई वो प्रशासन पुलिस की तरफ से हुई। हमारे 4 किसान साथियों को बहुत गंभीर चोटें हैं और कम से कम 50-60 लोगों को मामूली चोटें हैं, और डंडे कितनों को पड़े इसकी संख्या का तो आकलन ही आप नहीं लगा सकते। तो गुंडागर्दी सरासर सरकार की तरफ से थी, किसान और किसान नेताओं की तरफ से नहीं। सर, किसान आंदोलन को आज 9 महीने पूरे हो चुके हैं, यहाँ से आगे किसान आंदोलन कब तक किया जाएगा? देखिए, आंदोलन जो भी होता है वो अपनी मांगों के लिए होता है, वो अपना आंदोलन जब भी होता है। हमारी मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो तीनों कानून देश में किसान के विरोध में बनाए गए हैं वो वापिस हों, और हर किसान को हर दाने दाने पे MSP का अधिकार मिले। तो जब तक ये मांगे मान नहीं ली जाती, आंदोलन चलेगा। ये तो सोचना सरकार को है कि आंदोलन कब खत्म करना है। सर, अभी तक जो धरना है किसान आंदोलन का, कहां कहां पर चल रहा है किसान आंदोलन? देखो तो दिल्ली के चारों तरफ तो 4 बॉर्डर अभी भी चल रहे हैं, उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी हम 1 तारीख को भी मीटिंग करने जा रहे हैं, और 5 सितंबर को भी वहाँ एक मीटिंग होगी। 5 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली जिसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे वो पहुँच रहे हैं। तो आंदोलन की बात करें तो आज हमारे जो डेलीगेशन है उसमें उड़ीसा के साथी हैं, आंध्र प्रदेश के साथी हैं, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के तो साथी हैं ही। सर, किसान कहीं ना कहीं
और बात सामने आ रही कि किसान आंदोलन है जो 25 सितंबर किसान आंदोलन की वजह से 25 सितंबर को भारत बंद रहेगा, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, जो किसान आंदोलन का पहला भारत अखिल भारतीय कोल दिया गया था वो पिछले साल सितंबर में दिया गया था, जबकि हम दिल्ली पे नहीं आए थे, दिल्ली से दूर थे, लेकिन 25 सितंबर का एक कोल था जो कहा गया था कि पूरे देश में बंद किया जाए, तो वो एक शुरुआती तौर पर आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये 25 सितंबर उसकी एक सालगिरह के रूप में मनाया जा रहा है और ऑलरेडी ये डिसीजन हो गया है कि 25 सितंबर को पूरा भारत बंद रहेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि देश के अंदर सरकार अन्नदाताओं के साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है, तो ऐसे में आपको लगता है कि सरकार किसानों के हित में फैसला लेना चाहेगी? बिल्कुल, उनको फैसला लेना पड़ेगा। आपको ध्यान हो, देखिए, किसान कोई अलग नहीं है, वो इस देश का वोटर भी है, जनता भी है। आपको पता होगा कि बंगाल इलेक्शन में हमने ये एक एजेंडा के साथ हम गए कि जो पार्टी किसानों का विरोध करती है उसके खिलाफ वोट दो। तो अभी आपका उत्तराखंड, पंजाब और यूपी का चुनाव आने वाला है, तो हमें लगता है जो प्रेशर किसान संगठन वहाँ बनाने वाले हैं, सरकार को बाध्य होकर उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी और जल्दी ही हमारी जो मांगे हैं यदि मान नहीं ली जाती तो ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से मेवात की जनता को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस एक मुख्य आंदोलन के बीच का संगठन है, हमारे सदस्य हैं, और मेवात के साथी जो हैं, मेवात के जो किसान हैं, हम उन्हें कहीं अलग नहीं समझ रहे। संयुक्त किसान मोर्चा उन्हें अपने में से एक मानता है और यहाँ पे आपको पता होगा संयुक्त मेवात मोर्चा के नाम से सब संगठन इकट्ठे हैं जिन्होंने आज इस सभा का आयोजन किया। तो मुझे लगता है सरकार को देर सवेर आके मांगे माननी पड़ेंगी और ये तो होके रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये हमारे साथ एक किसानों के नेता जुड़े थे, उनका कहना है कि किसान आंदोलन आज से नहीं चला, किसान आंदोलन को आज 9 महीने पूरे हो चुके हैं। एक और बात सामने आ रही थी कि सरकार कह रही थी कि किसान जो है किसान है, किसान नहीं है, गुंडे हैं। ऐसे में इस नेता ने स्पष्ट कर दिया कि ये काट ले या लीड, ये वीडियो बना जाए।